श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 में बता रहे थे। अध्याय 4 कृषि आपको पढ़ा रहे थे। आज कृषि में हमको पढ़ाना है प्रश्न है, भारत में गेहूं की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। गेहूँ के बारे में देखेंगे। मानव के भोजन का प्रमुख आधार धान्य फसलें हैं। संपूर्ण विश्व में 3/4 मानव भोजन की आपूर्ति मात्र चावल गेहूं एवं मक्का से करती है। जैसे आपने देखें कि जो जनसंख्या होती है वो अधिक से अधिक सेवन में क्या करती है, गेहूं चावल और मक्का का प्रयोग अधिक से अधिक संख्या में करती है। भारत के खाद्यान्न फसलों में गेहूं को देखा जाता है तो प्रमुख रूप से चावल के बाद यदि रखा जाता है, किसको रखा जाता है, गेहूँ का दूसरे स्थान पर रखा जाता है। चावल को सबसे अधिक पसंद करते हैं, इसलिए चावल को पहले स्थान पर रखते हैं, जबकि गेहूँ को उसको बाद पसंद करते हैं, गेहूँ को चावल के बाद दूसरे स्थान पर रखते हैं। तो उसमें देखा गया है यह एक पौष्टिक तथा खाद्यान्न है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अतः इसे अन्य राज भी कहते हैं। गेहूं को क्या कहते हैं? अन्य राज भी कहते हैं, क्योंकि खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए इसे अन्यों का राजा या अन्य राज भी कहते हैं। भारत विश्व का लगभग 10% गेहूं का उत्पादन करता है। आप देखेंगे भारत में तो भारत विश्व का लगभग कितना, 10% गेहूं का उत्पादन करता है। यहाँ शीतकालीन गेहूं भी उगाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे शीतकालीन गेहूं भी उगाया जाता है, जबकि भारत की गणना विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में भी की जाती है। तो आप इसमें थोड़ा सा देख लेंगे लिखने के लिए, भारत की खाद्यान्न फसलें में गेहूं का प्रमुख स्थान है। चावल के बाद गेहूं को
खाद्यान्न फसल खाद्यान्न उपज पर उपज में दूसरे स्थान पर रखा गया है। रखा गया है। यह पौष्टिक यह एक पौष्टिक तथा खाने में स्वादिष्ट स्वादिष्ट होता है, अतः ऐसे है अन्य राज भी कहते हैं। अन्य राज भी कहते हैं। भारत विश्व का लगभग 10% गेहूं का उत्पादन करता है। दस प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है। यहाँ शीतकालीन गेहूं को उगाया जाता है। देखेंगे इसमें अगली हेडिंग है, गेहूं की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। आवश्यक भौगोलिक दशाएं गेहूं की खेती के लिए देखते हैं कि निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे उसमें नंबर देखेंगे तापमान। पहला क्या है बेटा, इसमें देखेंगे तापमान। गेहूं एक समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। पौधा है भारत में गेहूं शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है तथा ग्रीष्म ऋतु ऋतु के प्रारंभ में
गेहूं को काट लिया जाता है, जाता है। गेहूं को बोते समय समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की तापमान कामा उगते तथा बढ़ते समय सेल्सियस तापमान तथा गेहूं को पकते समय 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। ओला, कोहरा तथा पाला गेहूं की फसल के लिए हानिकारक होते हैं। उसमें पहला है तापमान, दूसरा आप देखेंगे वर्षा। गेहूं की फसल के लिए अधिक नमी की आवश्यकता नहीं होती है। अतः गेहूं की उपज के लिए पचहत्तर सेंटीमीटर तक वर्षा आवश्यकता पड़ती है। वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा मंद गति से निरंतर होनी चाहिए। तीसरा आप देखेंगे मिट्टी। गेहूं की खेती के लिए हल्के दोमट या
चिकनी, दोमट मिट्टी, गेहूं की खेती के लिए हल्के दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसके लिए गेहूं की खेती के लिए समतल तथा भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। जिससे उसमें आधुनिक यंत्रों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा सके। यह इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में हरी खाद, कंपोस्ट एवं यूरिया इत्यादि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। श्रमिक, चार हेडिंग है श्रमिक। गेहूं की खेती के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। गेहूं के खेत जोतने, बोने, सिंचाई करने निराई गुड़ाई करने मढ़ाई करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे अगली हेडिंग है भारत में गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य
अब इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है, उत्तर प्रदेश सबसे स्थान में क्या है, उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन दूसरे स्थान पर होगा पंजाब, तीसरे स्थान पर है हरियाणा, चार स्थान पे है मध्य प्रदेश, और फिर अन्य राज्यों में आप देखेंगे अन्य राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार इत्यादि जो राज्य हैं कि वो गेहूँ उत्पादन है। तो आप देखेंगे इसमें गेहूँ उत्पादन में अन्य राज्यों में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, यह भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। यहाँ देश का 32.26% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में समतल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गेहूं उत्पादक प्रमुख जिले सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बिजनौर, रायपुर, बरेली, बदायूं इत्यादि जिलों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दूसरे स्थान पर देखेंगे पंजाब, पंजाब राज्य में क्या है, पंजाब राज्य गेहूं उत्पादन करने में भारत में द्वितीय स्थान पे है। यहाँ समतल समतल मैदान पाया जाता है और यहाँ पे भी देखा जाता है गेहूं की सिंचाई के माध्यम से गेहूं की कृषि अधिक से अधिक संख्या में की जाती है। इस तरह से देखेंगे यह भारत का मतलब या भारत में गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशाएँ इस तरह से, ठीक है ना। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर मध्य प्रदेश। अन्य राज्यों में आपका देखेंगे कि अन्य राज्यों में हमारा है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश में भी गेहूं की खेती की जाती है।